गुड इवनिंग। तो अभी मैं जा रही हूँ सेंटर पॉइंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे ऑनलाइन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आरव के पैंट्स लेने हैं। उसके पास पैंट्स बिल्कुल फिनिश हो गए हैं, टी शर्ट्स तो हैं काफ़ी हैं उसके पास, देखती हूँ टी शर्ट्स भी मिल जाएंगी तो। लेकिन अभी सेंटर पॉइंट में लगी हुई है सेल, तो मैं आप लोगों को अगर हो सका तो दिखाऊंगी, बिकॉज अभी भीड़ कम है। अगर मैं शूट वगैरह किया तो मे बी स्टाफ वगैरह पसंद नहीं करे। तो जो भी मैं शॉपिंग करूंगी नहीं करूंगी, कैसा था सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसी व्लॉग में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलो पहले चलते हैं सेंटर पॉइंट और मे बी विल गो टू साइंटिफिक सेंटर फॉर वॉक, सो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जाएंगे साइंटिफिक सेंटर एंड इवन हम कैट का फूड भी लेकर जाएंगे। आई थिंक सो कैट का फूड भी लेकर जाएंगे बिकॉज ही वॉज मिसिंग कैट जो है वहाँ के। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे काफी दिख रहे हैं अभी मुझे कैट के, और भूखे से लग रहे हैं बिकॉज लोग कम आ रहे हैं, फूड इतना नहीं डाल रहे। तो हमारे पास ऑलरेडी हमने पूरा लिया हुआ था और पूरा पैक रखा हुआ है, क्योंकि जिस दिन हमने लिया उसी के बाद लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गया, कोरोना शुरू हो गया। तो आज हम कैट का फूड लेकर जाएंगे बिकॉज आरव इज सो इमोशनल फॉर एनिमल्स, ही इज सो सो इमोशनल। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं पार्क, साइंटिफिक सेंटर पार्क। अभी तो लाइक आप कह सकते हो कि लाइक मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होने वाला है आज, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इवन देखो मैंने मुझे भी आनी देख लिया ना, ठीक। अब हम चलते हैं, ठीक है? लेट्स गो। सो बैड लक, सेंटर पॉइंट में ओवर रश था, टाइम आउट हो चुका था, तो हम लोग नहीं जा पाए। और मे बी टुमारो सेल चल रही है सेंटर पॉइंट में, इफ यू वांट टू गो तो जा सकते हो, और टेम्परेचर चेक होगा आपका, देन लिमिटेड लोग जा रहे हैं अंदर, एंड यू हैव टू वेयर मास्क। तो मैं भी मास्क पहन के गई थी तो वापस आ गई। तो चलो अभी हम जा रहे हैं साइंटिफिक सेंटर वॉक के लिए। गर्मी है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, फिर उसके बाद डेली का पता ही नहीं रहता। आजकल मैं डेली जाना पसंद भी नहीं करती हूँ, डर डर के जाती हूँ। तो चलो अभी साइंटिफिक सेंटर चलते हैं। क्यूट, आई थिंक ये किसी की पालतू थी जो छोड़ गया है कोई कोरोना की वजह से। बेचारी कितनी भूखी थी, इनके पास है फूड, आगे वालों के पास भी होगा। चलो ठीक है आ जाओ, ये वाला फूड इनको बहुत पसंद है जो हम लेते हैं, है ना? आरफ कम, हाय बेचारी बहुत ही भूखी थी वाली सच में। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग इवनिंग में आए हैं। जब हम आए थे ना कुवैत तब हम लोग इवनिंग में डेली आते थे बिकॉज आरव एक साल का था, ना तो स्कूल की टेंशन ना ट्यूशन ना कुछ भी। जब बच्चा छोटा हो ना लिटरली इंजॉय कर लो यार, उसके बाद शेड्यूल्स फिक्स हो जाते हैं उसके, कभी क्लासेस कभी स्कूल कभी वेकेशन कभी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा टाइम था और हम लोग ने काफ़ी इंजॉय किया था यहाँ पर। अब वही फीलिंग आ रही है उसमें, लिटरली बहुत अच्छा फील हो रहा है और वेदर भी बहुत अच्छा है। घर में रह के बहुत गर्मी लगती रहती है, एसी में होते हम लोग, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या देख रही हूँ। हाँ क्या करोगे अपने साथ ले जाके? मैं आपको केरल की जगह पर लेकर जाऊंगा।
अच्छा केरल वाली जगह। अच्छा एक जगह है जो बहुत सुंदर है जिसको हम बोलते हैं ऐसा लगता है केरल में आ गए। देखो स्काई इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है इंद्रधनुष आया हुआ है। छोटे बच्चे बहुत हैं, बहुत भूखे हैं। ये देखो कैसे कर रही है, लुक एट हर फेस। रख दो बेटा यहाँ पर, बस हाँ रख दो आप, वो आ जाती है बाद में, वो डरते हैं ना बच्चे। सी आ जाएगी, चलो अपन यहाँ से चलते हैं, वो देखना भी आ जाएगी। लेट्स गो मम्मी, वो मेरी गलती थी। अरे आप निकलो क्योंकि वो आपसे भी डर रही है। वो शी विल कम, वो आ रही है, आ रही है, आ रही आ रही आएगी। वो दूर हट जाओ बिल्कुल, वो बच्चे हैं ना वो डरते हैं। ये देखो खा रही है ना, हाय सच्चे क्यूटी, देखा ना यू हैप्पी। लेट्स गो मम्मी, वो मम्मी मेरे पत्थर के हाथ लग गए थे, वॉश करो। मोर कैट्स और ये डर रही है, अभी हमने खाना रख दिया है। लेट्स सी, देखो सामने। अच्छा हाँ चलो उसको भी देते हैं। अरे फोर और है, अरे यार वो दूर चली गई यार, खा लेंगी। चलो इंसान तो खाएगा नहीं, कैट ही खाएंगे। हाँ एक नीचे यहाँ रख दो। अरे यार कितनी छोटा बच्चा है, अय हाय बेबी सुनो पत्थर पे रखना पीछे। वो क्या है ना वो यहाँ डर रही है, लोग निकल रहे हैं। आप तो डाल दो डाल दो, वो है ना वो वाली खा देगी। हाँ बस खा देंगे खा देंगे। एक इधर रख दो एक पत्थर दूसरे पत्थर पे, ताकि वो यहाँ रख दो। वो एक खाएंगे, एक भी खाएंगे। अरे खा लेगी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे रख दो बस, वो खा जाएगी। बस छोड़ दो, आ जाओ। वो देखो सब वेट कर रही हैं, आप निकलो और वो आए। अरे आ जा तू आ जा। अच्छा देखो आ गई। सी हमको वेव को बना रही हो। सी ऑल फोर कुछ यहाँ पर भी आ जाएंगी, खा लेंगे वो, खा लेंगे उन्हें पता है कहाँ पर है फूड। चलो वो देखो वो रही भूखी, चलो उसके लिए वो रख लेंगे। बस एक जगह रख दो बजा के, बॉक्स बजा दो, बॉक्स बजाओ बॉक्स। वहीं रख दो, वो उसी वाले पे रख दो जाके। वो नहीं समझ पा रही है शायद। बजा दो डिब्बा, बजा दो वहां पे बजा दो। मम्मी दुपट मैं ही दे देता। थैंक यू, आ जाएगी देख लीजिए वो। मम्मी वहां पे तो कुछ हो नहीं रहा था। अच्छा तू बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मम्मी चलो अब मुझे केरल की तरफ रहने देते हैं बेटा, कोई बात नहीं खा लेंगे वहाँ पे। आ गई वो पुरानी वाली, वो ये भी गई ये वाली भी गई। जा बेटा जा, आ जाएंगी वो तो सब इधर की साइड के। बहुत भूखे हैं यार, बहुत भूखे हैं ये, इन लोगों को खाना नहीं मिलता। और मैं केरल की तरफ तो लेकर ही जाऊंगा बेटा, अब लेट हो रहे हैं मुन्नु। मम्मी कैसे भी करके, चलो कैसे भी करके। यहाँ से जाने के लिए कह रहा है ये लड़का, और यहाँ अंधेरा हो गया है बेटा, उधर कीड़े होंगे बेटा। ये जगह तो बहुत प्यारी है बीच में से निकलना, लेकिन बेटा समझो ठीक है। चलो हाँ ओके थैंक यू, बहुत जल्दी समझता है मेरा बेटा। मम्मी मैं अभी गुस्सा आ रहा हूँ क्योंकि पापा ने। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग बैक एंड आई होप, हाँ खिला दो। तो आई होप ये वाला व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, मैं व्लॉग्स खूब सारे बनाऊंगी, हाउस रूटीन दिखाऊंगी, बाहर जाऊंगी तो बाहर का दिखाऊंगी, जो भी होगा मेरी लाइफ में आई विल पोस्ट श्योरली। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।